हेलो दोस्तों, रॉयल वुड वर्क बिलासपुर में आपका स्वागत है। ये ट्रिपल स्लाइडिंग डोर वार्डरोब है। ये बीच में बाथरूम है तो, और इसमें जो जगह बचा था उसमें हमने थोड़ा सा अलमारी बना दिया है सामान रखने के लिए, कपड़े वगैरह रख सकते हैं। ये एक अलमारी लेफ्ट साइड की है। ये पूरा दीवार वाली अलमारी है जिसमें पत्थर का सेल्फ लगा हुआ है। इसमें बीच बीच में हमने और भी सेल्फ लगा दिए हैं। ये हमने इस तरफ तीन ड्रॉज दिए हैं जिसमें कपड़े रहेंगे। बड़ा बड़ा ड्रॉज है, बहुत अच्छे से कपड़े आ जाते हैं। इसमें हमने क्वाड्रो चैनल लगाया हुआ है, अच्छा स्मूथली काम करता है। इस तरफ के अलमारी की बात करें तो इसमें एक सेल्फ यहाँ हमने दिया है। बड़े खंड को हमने तीन खंड में डिवाइड कर दिया है। बीच वाले में फोल्डिंग वाला सेल्फ रहेगा। जब हैंगर का यूज़ करना होगा तो सूट वगैरह के लिए कर सकते हैं, बीच में हम पाइप लगा देंगे उसमें। और लाफ्ट की बात करें तो लाफ्ट में भी हमने ऊपर उठने वाला डोर बनाया है। इसमें सॉकर लग जाएगा तो आसानी से इसको उठा सकते हैं। इसमें दोनों तरफ सॉकर लगेगा 25-25 केजी का, और आराम से ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसा लाफ्ट में डोर बनाते हैं तो शॉकर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कुछ सामान रखना हो तो शॉकर एक जगह पे टिक जाता है तो आसानी से वो हो जाता है। स्लाइडिंग डोर तीनों बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है। इसमें सभी में एक्रेलिक लगेगा तो इसका पूरा वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिलेगा। एक चीज़ और है, जो ये बीच वाला जो डोर रहता है इसको हमने सॉफ्ट क्लोज को आगे कर दिया है, बीच में ही इसको रोका है, तो इसमें जो डोर है वो भी यहीं पे रुक जाता है अच्छे से, तो हमको और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लॉक वगैरह या स्टॉपर इसका जो आता है वो कुछ करना नहीं पड़ता, बस इस सॉफ्ट क्लोज को बीच में लगा देंगे तो ये आ जाता है। ये दोनों ग्रुप इसमें सभी में एक्रेलिक लगेगा। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, फुल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा।